राजा जी, पता चला कि आपको भी जैसे धमकी भी मिली है और बोला है कि आप संत झंडोवाला की, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की बहुत बात करते हैं, उनकी बहुत अहमियत करते हैं, ऐसी कोई बात हुई है? जी, मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा, जब मैंने ये बात 6 जून को टकसाल में बोली, तो मैं तो इन चीजों को इसलिए नहीं सामने लाना चाहती क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। पहली बात तो मेरी जितनी सांस श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु साहब ने लिखी है, मेरी सांस कोई नहीं छीन सकता। और लगातार मुझे फोन पर धमकियां भी आती हैं और शिवसेना से भी मुझे एक बार धमकी आई है कि उन्होंने काफी मुझे बोला कि इस तरीके से तो आपको देख लेना, ये वो दिस दैट, काफी मुझे धमकी आती है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं उसको इग्नोर इसलिए करती हूँ क्योंकि हमेशा जो सच्चाई होती है ना, सच्चाई सुनने के जो मतलब एक क्षमता है, वो सभी लोगों में नहीं होती। ठीक है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, मैंने चैलेंज किया उनके, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी शायद, जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने उनको बोला आपके पास 3 दिन है, आप अपने प्रूफ ले आइए और हम अपने प्रूफ ले आते हैं, आप जिस चैनल पे बैठना चाहते हैं आप उस चैनल पे बैठिए। मैं शिवसेना वालों को बिल्कुल डायरेक्टली उनको इनवाइट किया, आप जिस चैनल पे बैठना चाहते हैं आप बैठिए और आपके पास समय है, आप अपने तथ्य लाइए, मैं अपने तथ्य लाती हूँ, हम डिबेट करेंगे। अगर डिबेट के अंदर, लेकिन मैंने उनको एक बात जरूर बोली है, अगर डिबेट के अंदर आप हारते हैं, आपकी हार होती है, तो डेफिनेटली आपको पूरे देश के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी हाथ जोड़ के, और आज के बाद आप सिख समाज के लिए टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बात मैंने उनको बोली है और ये बात मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद 3 दिन बाद ना तो उनका कोई फोन आया और ना ही कोई कॉल आया, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आपने मतलब जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला है उनके नाम पे ही चैलेंज किया था कि आज डिबेट कर ले आज और टेलीविजन पर? मैं बता तो रही हूँ, जैसे ही मैंने जो स्टेटमेंट्स दी कि भाई जो है संत जी के बारे में बोला, और मैंने बोला, हालांकि लोगों को तो इससे भी प्रॉब्लम होगी, मैंने सरदारों को जो है ब्रेव कॉम बोला, मैंने सरदार कम्युनिटी को अगर ब्रेव कॉम बोला है उसका कारण है, क्योंकि हर एक समाज के लोगों ने अपने अपने जो है धर्मों के लिए किया है। आज अगर सिख समाज करता है तो मानवता के लिए करता है, तो उसमें भी मुझे कुछ समाज से धमकियां आई हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आपको गोली मार देंगे खुलेआम, आपको हम जो है जिस तिलक की आप बात करते हो उस तिलक पे गोली मारेंगे, और जिस मतलब मजहब की आप बात करते हो, सरदार को आपने ब्रेव कॉम क्यों कहा, हम कहां जाएंगे? मैंने उनको बोला बड़े भाई देखो, मैं अपने परशुराम जी की अगर बात करूं तो हमारे ब्राह्मणों के लिए किया उन्होंने, ठीक है, महाराणा प्रताप की बात करें तो राजपूतों के लिए किया, लेकिन अगर आज सरदार कौम सिख समाज के 10 गुरुओं ने अगर किया तो मानवता के लिए किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने खुद जनेऊ नहीं पहना, लेकिन उन्होंने जनेऊ की रक्षा की, कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला बड़े भाई आप देखो डिफरेंस कितना है, आपने मुझे मारने की बात कही कि तुम्हें गोली मार देंगे, और सिख समाज कभी भी बहू बेटियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, तो अब आप डिसीजन आपका है कि आप ब्रेव कॉम हो कि वो ब्रेव कॉम है,